नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज़। जुर्म का पर्दाफाश। उन्नाव लोकसभा में भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों की धड़कने तेज। अनूप टंडन ने किया तूफानी दौरा। जी हाँ, उन्नाव लोकसभा की चुनावी सीट अपने रोमांचक दौर से गुजर रही है, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के प्रहार लगातार कर रहे हैं, उसी के बीच में कांग्रेस की प्रत्याशी अनूप टंडन, जिनकी छवि रोबिन हुड जैसी उन्नाव जनपद की बहन बेटी बनकर सेवा भाव से चुनावी समर में उतरी हैं। अनूप टंडन लोगों के दिलों पर राज करने वाली महिला ने आम जनमानस से अपील किया है। दो महाराजाओं की लड़ाई में तवज्जो किसे देते हैं, जिसे आप अपनी व्यथा सुना सकें, अपने कष्ट को कह ना सके, ऐसे महाराजाओं को दरकिनार करके अपने घर की बिटिया अनूप टंडन को आशीर्वाद दें, क्योंकि उन्नाव की जनता बाहरी प्रत्याशियों के कार्यकाल को देख चुकी। सब आते हैं उन्नाव को चरागाह समझकर उसको चर के वापस चले जाते हैं। एक महाराजा एटा का है तो दूसरा महाराजा लखनऊ का है। सांसद उन्नाव जनपद की बेटी है, जो जनपद वासियों की सेवा में सदैव तत्पर हैं। इंडिया पावर न्यूज के लिए उन्नाव जनपद से मनीषा यादव की रिपोर्ट। घर की बहन समझ लो, बेटी समझ लो, बुआ समझ लो, जो समझना समझ लो। और मेरे सामने दो प्रत्याशी आए हैं, दोनों बाहर के, एक लखनऊ से आया है, एक एटा से आया है। तो हम लोगों को मिलकर निर्णय लेना है कि घर की हमारी बहन सही है कि बाहर के दो महाराज। तो निर्णय अगर हम लोग मिलकर लेंगे, जुट लेके करके लेंगे, तो निर्णय गलत नहीं होगा। मैं आपको कोई एक नेता होने के नाते वायदा नहीं करना चाहती, मैं आपको कोई झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती, क्योंकि वादे और आश्वासन तो वोट के समय पर सभी दे देते हैं। मैं आपको लेकिन एक गारंटी देना चाहती हूँ कि मैं जब सांसद बन के आऊँगी और मेरे हाथ में जो भी अधिकार होगा वो 100% मैं ईमानदारी से निभाऊंगी, इसका गारंटी। और मुझसे आप अपेक्षा रखें, वही अपेक्षा रखें जो आप अपनी घर की बेटी या बहन से रखते हैं, मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। ये समय बहुत कम है, 12 दिन बचे हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, अपने सभी नातेदार रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस मेरी ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि 29 तारीख को हाथ के पंजे पे बटन दबाकर मेरा सहयोग करिएगा।